सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनियाज लाइफ। तो अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी एंड मॉनसून का सीज़न भी आ गया है, तो हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था क्योंकि तीज भी आने वाली है, तो इसलिए हम पास की मार्केट में गए हैं जिसका नाम है घंटा घर। तो अभी हम रास्ते में एंड लेट्स गो टू मार्केट। हो गया है तो अभी हम लोग जो भी हमें सामान लेना है वो लेंगे। तो ये तो अभी हम लोग सुबह जल्दी पहुंच गए थे, तो सारी शॉप्स ओपन हो रही थी। अभी 10 o'clock का टाइम हो रहा है। सो हम सबसे पहले स्टेशनरी की शॉप में गए हैं, तो यहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छी स्टेशनरीज हैं। ये क्या, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी की पेंसिल भी है और मुझे यहाँ पे थोड़ा अपना क्राफ्ट एंड स्टेशनरीज का सामान भी लेना था। तो काफ़ी अच्छी स्टेशनरीज हैं यहाँ पे और यूनिक भी। तो यहाँ पे कुछ ये क्ले हैं इनकी स्टेशनरी शॉप पे, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप डिफरेंट वैरायटीज के पेन भी हैं यहाँ पे, डायरीज भी हैं काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ की। छोटी सी शॉप है लेकिन काफ़ी यूनिक स्टेशनरी है। एंड यहाँ पे कुछ सेट्स होते हैं जैसे कि गिफ्टिंग के लिए और रिटर्न गिफ्ट के लिए, पेन पेंसिल एंड पेंसिल बॉक्स ज्योमेट्री एंड वो सब। यहाँ पे डिफरेंट ज्योमेट्रीज भी थी लाइक पर्स वाली एंड पाउचेस भी थे, काफ़ी ऑप्शन। मम्मी को तीज के लिए बैंगल्स चाहिए थे, तो उसके लिए हम बैंगल वाली शॉप पे आ गए हैं। ये काफ़ी डिफरेंट वैरायटी से ग्रीन कलर के बैंगल्स हैं, तो ये काफ़ी बड़ी शॉप है एंड यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज के बैंगल्स हैं और काफ़ी टाइम लगा हमें बैंगल। तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज के ग्रीन कलर के चूड़ी के सेट्स हैं एंड यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट बैंगल्स हैं, कलरफुल हैं ये इनके पूरी शॉप बैंगल्स हैं। और थोड़ी बहुत राखी भी आने वाली है, यहाँ पे तो राखी हैं। एंड बारिश भी हो रही थी एंड अभी कावड़ भी होने वाला, तो कावड़ वाले थे वो निकल के रहे थे, तो हमें लग रहा था कि रास्ता ना बंद हो जाए, लेकिन
फाइनली रास्ते बन गए और एंड हम फाइनली अब घर जा रहे हैं एंड काफ़ी ट्रैफिक भी हो गया लेकिन अच्छा रास्ते बन गए हैं. सो यार इन बाय बाय. एंड यहाँ पे काफ़ी सारा सामान भी है और हमने गाड़ी के पीछे रख दिया.